दवाओं से रिलेटेड मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि आजकल हम खाने से लेके हगने तक पूरी तरह से मेडिसिन्स पर डिपेंड रहते हैं। अब किस तरह से, मैं ये बताता हूँ कि सपोज एक पर्सन है जिसे भूख नहीं लग रही, तो उसे भूख नहीं लग रही तो वो खाएगा दवाइयाँ जिसकी वजह से उसे भूख लगेगी। अब जब उसे भूख लगी, उसने खाना खाया, वो खाना पच नहीं रहा है, तो जब उसकी बॉडी खाना पचा नहीं रही है तो उसके लिए उसने दवाइयाँ खाई और वो खाना पच गया। और खाना पचने के बाद अब वो खाना वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए भी उसने दवाइयाँ खाई। तो ओवरऑल हम खाने से लेके हगने तक पूरी तरह से मेडिसिन पर डिपेंड रहते हैं। तो क्या इतना ज्यादा मेडिसिन पर डिपेंड रहना किसी भी चीज के लिए, क्या ये चीज सही है हमारे हेल्थ के लिए या फिर नहीं, तो इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वॉचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपने एक कोट सुना होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मतलब एक कोई भी चीज जो अगर हम हद से ज्यादा कर ले तो वो हमारे लिए डेंजरस होती है। तो वही सेम चीज भी मेडिसिन के ऊपर भी अप्लाई करती है कि अगर हम कोई दवाइयां हद से ज्यादा खा ले तो वो हमारे लिए हार्मफुल चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है कि लोगों का सिर दर्द करने लगा, लोग दवाइयां खा लेते हैं, पेट दर्द करने लगा, लोग दवाइयां खा लेते हैं। इनफैक्ट देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं फार्मेसी कर रहा हूँ तो लोगों को पता है कि मैं या तो मैं मेडिकल स्टोर डालूंगा या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करूंगा। तो लोग मुझे क्या, जब भी लोग मुझे मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अब तू फार्मेसी तेरी कंप्लीट हो गई, अब तू हमें दवाइयां दे सकता है। तो मतलब लोगों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हमें दवाइयां खानी है। तो क्या ये चीज सही है या फिर नहीं? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। दवाइयां आपके हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो जितनी कम दवाइयां आप खाएंगे तो उतने ज्यादा हेल्दी आप रहेंगे। ऐसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इस फार्मेसी की स्टडी करने के बाद। अब मैंने फार्मेसी की स्टडी की तो मुझे एक चीज तो मैं इस फार्मेसी से मैं सीखा हूं कि जितनी कम दवाइयां आप खाएंगे उतने ही आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो जब मुझे लोग कहते हैं कि तू ये फार्मेसी कंप्लीट कर ली, अब तू हमें दवाइयां दे सकता है, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर मैंने कल दारू का ठेका डाल लिया या फिर मैंने ड्रग बेचना शुरू कर दिया तो क्या आप मुझे कहेंगे कि हमें भी एक ड्रग का पैकेट चाहिए या फिर हमें एक दारू की बोतल दे दे? क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स और ये शराब हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे हेल्थ को ये कोई भी बेनिफिट नहीं देने वाली। सो सिमिलर थिंग गोज विद मेडिसिन, दवाइयां आपकी हेल्थ को जस्ट एक क्रिटिकल सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए होती है और ना ही आपके रेगुलर बेसिस में खाने के लिए ये दवाइयां होती है। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसे सॉल्व करने के लिए दवाइयां देनी चाहिए, लेकिन आजकल लोग छोटी मोटी किसी भी चीज के लिए दवाइयां खाते हैं और वही दवाइयां उनके बड़ी बीमारी का रीजन बनती है। तो आई विल सजेस्ट कि जितना ज्यादा इन दवाओं से आप दूर रह सके उतना ही आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि दवाई आजकल बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है कि लोगों के लाइफस्टाइल में जितनी वो हेल्दी चीजें नहीं करते उतनी ज्यादा वो मेडिसिन खाने के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर हम सिमिलर चीज को लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ऐसे छोटी छोटी बेसिस पर रेगुलरली दवाइयां खाने से हमारे इसका इफेक्ट हमारे किडनीज पर होता है, किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और दूसरी भी कॉम्प्लिकेशंस इस मेडिसिन की वजह से आपको अराइज हो सकती है। तो किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए दवाइयां क्यों लेना, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा होशियार है कि वो अपने अपने तरीके से अपने आप को ठीक करे। सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में ही आपको दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। तो आप भी ये चीज समझिए कि ज्यादा दवाइयां लेना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये था मेरा एक इनिशिएटिव कि मैं आपको
बता सकूं कि दवाइयां जितनी कम होंगी उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ जो होगी वो हेल्दी होगी और उतने ही ज्यादा ज्यादा लाइफ स्पैन के लिए आप जी पाएंगे और उतने ही ज्यादा हेल्दी रह सकते। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।